स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक का जो चैप्टर नंबर फोर्थ है मैट्रिक्स स्पेस, उसके एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि मैं अपने तरीके से करवाऊंगी इन एग्जांपल्स को, कि टाइप से देखेंगे हम कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। ओके, अभी तक हमने दो लेक्चर्स किए हैं और दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि वो वाले टाइप थे जिसके अंदर मोड था। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या थी, इसके अंदर हमें क्या होता है कि एक मैट्रिक्स स्पेस है, वो बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर कि मैट्रिक्स स्पेस को प्रूव करो। तो हम हमारी जो चार प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको प्रूव करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीधा लेक्चर 3 देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता, लेक्चर 1 और 2 देखो, देन लेक्चर 3 पे आओ। ओके, और लेक्चर 1 तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लेक्चर 3 देख रहे हो तो डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का, पहले लेक्चर 1 देखो, उससे आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा है, देन आओ लेक्चर 3 के ऊपर। ओके, तो देखो क्या उसमें हमें क्या करना है, ये बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर कि प्रूव करो मैट्रिक्स स्पेस। हमें क्या प्रूव करनी होती है, हमारी चार प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होती हैं हर एक क्वेश्चन में, जो कि हम ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ चुके हैं कौन सी प्रॉपर्टी, और आज भी वही क्वेश्चंस में वही प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। तो हमारा ये होता था कि फोर्थ प्रॉपर्टी होती है जो उसकी जो मतलब, अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे ना तो फोर्थ प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंज आएगा। ओके, तो आज हमारा वही है कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है ना वो इस टाइप का है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मंकोस इनइक्वालिटी। अगर हमारा जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी हम क्या लिख सकते हैं कि देखो, समीशन एन इज इक्वल टू 1 से के एक्स एन प्लस वाई एन की पावर पी और होल की पावर 1/p। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1/2 मिलेगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 1/3 मिलेगा। मतलब एक्स एन प्लस वाई एन की पावर पी और होल की पावर 1/p, उसको हम अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी क्या लिख सकते हैं, वो लेस देन है एन 1 to k एक्स एन की पावर पी 1/p प्लस वही एन 1 to k वाई एन की पावर पी 1/p। मतलब जब हम इनको अलग अलग इनकी पावर इस तरीके से लिखेंगे ना तो ये वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर हो जाएगी इससे, कब होगी, और p की वैल्यू है जो वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और मतलब पॉजिटिव टर्म मिलेंगे यहाँ पे, और जो n होगा मतलब ये यहाँ पे क्या हो सकता है, x1, x2, x3, y1, y2, y3, yk अप टू सोन, इतना हो सकता है हमारा। तो ये हमारी इनइक्वालिटी होती है जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। दो क्वेश्चंस उनका इस इक्वालिटी का उन क्वेश्चंस में यूज़ होगा, इसलिए सबसे पहले हमने इस इक्वालिटी के बारे में बात करी है। इनइक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि मतलब जब भी हम ये लेस देन या फिर ग्रेटर देन टाइप की बातें करते हैं तो वहाँ पे इनइक्वालिटी होती है, और अगर इक्वल टू की बात हो तो मतलब इक्वालिटी हो गई। ओके, तो ये इनइक्वालिटी है, मतलब इसको हम लेस देन दिस लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी। ओके, तो अब हम वही हमारा क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है कि लेट हमें एक एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है जिसके अंदर क्या है, आर एन बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर एन टपल्स ऑफ रियल नंबर फॉर अ फिक्स्ड एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। लेट डी बी अ फंक्शन सच दैट, जो डी है हमें डी पे ही हमारा मेन फोकस है कि जो डी है वो हमें इस टाइप का दे रखा है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से के एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर की पावर 1/2। देखो ये इस तरीके का ही है कि पावर भी 2 है, यहाँ भी 1/2 है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से एन है हमारा, और एक्स की वैल्यू एक्स वन एक्स टू एक्स एन, वाई की वैल्यू वाई वन वाई टू वाई एन, विद जो एक्स और वाई है वही हमारे इस आर एन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। शो करना है हमें कि जो हमारा एक्स डी है ना वो क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। अब देखो जैसा कि हमें पता है कि इसको हमें मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है, तो वही मैट्रिक्स स्पेस के लिए हमें क्या चार प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना होता है। सबसे पहले कि जो हम क्या प्रूव करते हैं कि जो ये डी एक्स वाई है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि डी एक्स वाई पॉजिटिव है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो डी एक्स वाई है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों, ये देखो क्यों है 0। हम सबसे पहले लिख देंगे कि क्लियरली डी एक्स वाई जो हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे है, अब ध्यान से तो यहाँ पे देखो आप कि जो ये वैल्यू है एक्स आई माइनस वाई आई करके, या तो यहाँ पॉजिटिव नंबर आए कुछ या नेगेटिव नंबर आए, उसका क्या है, स्क्वायर है।
तो ये हमारा पॉजिटिव ही बन जाना है ऑटोमेटिकली, और उसकी होल पावर भी 1/2 है तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। मतलब जो हमारी ये डी एक्स वाई के जो इक्वल टू में टर्म है ना, वो क्या है, पॉजिटिव टर्म है, तो वो ग्रेटर देन ऑलवेज 0 ही रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल आई 1 टू लेके एन तक। ओके, तो अगर हम इसका समीशन ले आई इज इक्वल टू 1 से n, एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर की पावर 1/2, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब तो क्या हो गया कि जो हमारा डी एक्स वाई है, क्योंकि ये हमारा क्या है, डी एक्स वाई ही तो है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। देखो क्या किया हमने कि हमें पता है एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर तो जो चीज़ होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। देन हमने क्या लिया, समीशन लिया, क्योंकि आई की वैल्यू तो हमारी कुछ भी हो सकती है, 1 टू n तक हो सकती है, ऑलवेज ये ट्रू रहेगा रिजल्ट। तो हमने समीशन आई इज इक्वल टू 1 n से n ले लिया, एंड वो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। देन हमारी ये वैल्यू तो हमें पता है क्या है, डी एक्स वाई, तो हमारा जो डी एक्स वाई है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। देन हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये होती थी कि अगर डी एक्स वाई 0 है ना, तो एक्स इज इक्वल टू वाई हमें प्रूव करना होता है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी। तो वही हम यहाँ भी प्रूव करेंगे कि जो डी एक्स वाई है ना, वो हम इक्वल टू में 0 ले लेंगे। डी एक्स वाई हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे समीशन आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से हमें इक्वल दे रखा है। देन हम क्या करेंगे कि दोनों साइड मान लो हमने स्क्वायरिंग ले ली, तो 0 का स्क्वायर तो 0, ये कैंसिल हो गया। देन हम एक क्या करेंगे कि इसकी 1 वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए, 3 वैल्यू के लिए, ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल आई 1 टू n। देखो 1 से लेके n तक हर एक वैल्यू के लिए वैल्यू जो है ट्रू है। ओके, देन इसके बाद जो ये नेक्स्ट लाइन है, जो यहाँ पे पेज कम है इसलिए मैं इधर ही लिख रही हूँ, ताकि ज़्यादा नेक्स्ट पेज लिखूँगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से, यहाँ लिख रही हूँ इसके बाद जो है। ओके, जो डी एक्स वाई है वो हमें क्या लिया, 0, देन उसकी वैल्यू हमने लिख दी। देन हमें कि हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, तो एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, जो कि वैल्यू है 1 2 3 सारी वैल्यूज़ के लिए। ओके, इसका मतलब हमारा क्या होगा, अगर अब हम स्क्वायर भी ना लें, तो मान लो कि हमने दोनों साइड रूट ले लिया, तो एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0, तो 0 ही रहेगा, तो 0 हो गया हमारा। देन एक्स आई इक्वल टू वाई आई आ गया फॉर ऑल आई, हमारे हर एक आई के लिए है ना, मतलब एक्स वन होगा तो इक्वल टू वाई वन हो जाएगा, एक्स टू होगा तो वाई टू हो जाएगा, ऐसे अप टू सोन, मतलब जो हमारा एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल। आप ये लिख के मत दिखाना बेशक से कि एक्स वन वाई वन के इक्वल एक्स टू, लेकिन इससे हमें यही पता चलता है एक्स आई इक्वल टू वाई आई से कि हमारा हर एक एलिमेंट इक्वल होगा, एक्स वन वाई वन के, एक्स टू वाई टू के, मतलब अगर हम जनरली देखें तो एक्स इक्वल टू वाई हमारा हो गया। डी एक्स वाई हमें 0 के इक्वल लेके चलते हैं और एक्स इज इक्वल टू वाई तक पहुंचना होता है, तो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है। देन अगर ये 0 है तो ये भी 0 हमने ले लिया, इसकी वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, देन एक्स आई माइनस वाई एन का स्क्वायर 0 हो गया, देन एक्स आई माइनस वाई आई 0, तो एक्स आई इक्वल टू वाई हो गया, आई की हर एक वैल्यू के लिए हो गया, तो एक्स इक्वल टू वाई हमारा हो गया। देन थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि हमें क्या प्रूव करना होता है, उसको सिमेट्रिक, कि मतलब क्या प्रूव करना है कि जो डी एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, डी वाई एक्स के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना होता है। तो अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। देखो थर्ड प्रॉपर्टी में वही हम क्या लेके चलेंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, ये वाली वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस वाई एन का स्क्वायर, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर की पावर 1/2 है होल पावर। ओके, देन एक्स वाई को हमें क्या प्रूव करना होता है कि डी वाई एक्स के इक्वल है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, मतलब माइनस वन हम कॉमन ले रहे हैं एक तरीके से देखें, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो वाई आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये पॉजिटिव ही हो गया हमारा। तो हमारा क्या बन गया, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n वाई आई माइनस एक्स आई, अगर मान लो कि इस तरीके से लगा लो कि आपने माइनस वन कॉमन लिया इसके अंदर से, तो वाई आई माइनस एक्स आई हो गया। अब माइनस वन का स्क्वायर अगर हम देखें तो प्लस वन हो जाता है वो, तो और वाई आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर यहाँ बच गया कि पावर 1/2। अब देखो ये जैसे डी एक्स वाई था, तो एक्स आई माइनस वाई आई था, तो वाई आई माइनस एक्स आई है, तो ये क्या बन गया, डी वाई एक्स। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि जो डी एक्स वाई है ना वो डी वाई एक्स के इक्वल हो गया। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई सिमेट्रिसिटी वाली। अब बात आई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की।
ओके तो हम फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए क्या करते थे, जो पीछे करते थे उससे रिलेट करके ही चलूँगी मैं आपका। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हम ये करते थे कि एक्स वाई जो हमारा तो होता ही था, साथ में एक हम थर्ड मेंबर लेते थे जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। ओके तो वही जैसे हम यहाँ पे भी लेंगे एक्स वाई और जेड। अब देखो जो इसमें हमारी एक्स की वैल्यू है वो एक्स वन एक्स टू एक्स एन, वाई की वैल्यू वाई वन वाई टू वाई एन, तो जेड की वैल्यू क्या जाएगी जेड वन जेड टू जेड एन। तो वो हम लिखेंगे कि जहाँ पे एक्स है वो हमारा है एक्स वन एक्स टू एक्स एन, वाई है हमारा वाई वन वाई टू वाई एन, जेड है हमारा जेड वन जेड टू जेड एन। ओके अब हमें क्या लेना है वही कि डी एक्स वाई किसके इक्वल है। ये अभी कुछ नहीं, बस मैंने ये तीन वैल्यू लिखी हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी है, एक्स और वाई तो हमें गिवन था और थर्ड हम लेते हैं जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके अंदर, वो हमने ले ली। जो डी एक्स वाई है वो किसके इक्वल है हमारा, यही वैल्यू समीशन आई इज इक्वल टू वन से एन एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर की पावर 1/2। ओके इस तरीके से है हमारा। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ क्या करना होता है, सबसे मेन बात तो मैं आपको वो बताती हूँ पहले कि जो डी एक्स वाई है ना वो लेस देन है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इसीलिए हमने कोई जेड एक्स्ट्रा वैल्यू भी ले रखी थी यहाँ पे। ओके कि हमें ये प्रूव करना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ बन ही नहीं रहा, वहाँ पे तो हमारा क्या होता था पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए थे मोड होता था और इसके अंदर डायरेक्ट हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते थे, वो हम इसके अंदर भी हम वही ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे क्योंकि वहाँ पे तो मोड की प्रॉपर्टी ओपन हो जाती थी, यहाँ पे अभी हमें पता नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे वही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारा जेड है, जैसे इसमें एक्स आई और वाई आई है तो हम क्या इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जेड आई। ओके और जो सिमिलर जेड आई की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, आई इज इक्वल टू वन से एन तक, क्योंकि क्या है जेड वन जेड टू जेड जेड एन है हमारा, तो इस वजह से वो वैल्यू भी हमारी इसी तरह लाई करेगी। तो समीशन आई इज इक्वल टू वन से एन एक्स आई, इसके अंदर हम क्या करेंगे जेड आई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जेड आई को ऐड कर देंगे। कैपिटल जेड लिखो किस तरीके से लिख दो, ये जेड है ओके उसका स्क्वेयर की पावर 1/2। अब देखो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद क्या, जैसे पहले हमारा होता था मोड इस तरीके से होता था, मोड के अंदर x माइनस वाई तो हम इसके अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते थे जेड को और उसके बाद हमारी मोड की प्रॉपर्टी हो जाती थी। अब लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो जब से स्टार्टिंग में मैंने आपको एक इनइक्वालिटी के बारे में बताया था इसके बारे में, उसमें यही है ना कि पी और उसके पावर 1/p एक्स एन प्लस वाई एन समीशन आई इज इक्वल टू वन से के, इस तरीके की वैल्यू ही हमारी उसके अंदर भी है और इसके अंदर भी उसी तरीके की वैल्यू है, तो हम वही करेंगे इसके अंदर भी। तो ये हमारी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी। इसको हम कैसे लिखते हैं देखो, कैसे लिखा है लेस देन इक्वल टू वही मतलब एक्स एन की पावर पी और उसकी पावर 1/p प्लस समीशन इज इक्वल टू वन से के वाई एन की पावर पी और उसकी पावर 1/p, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। देखो क्या है मतलब उसमें दो वैल्यू है ना, तो हम इस तरीके से इसको बांट लेंगे कि फर्स्ट वैल्यू तो हमारी ये है और सेकेंड वैल्यू ये है, तो हम लिखेंगे बाय मिन कोस इन इक्वालिटी। हमारी प्रॉपर्टी होती है क्या कि समीशन एन इज इक्वल टू वन से के एक्स एन प्लस वाई एन का की पावर पी की पावर 1/p लेस देन इक्वल होगी समीशन एन इज इक्वल टू वन से के एक्स एन की पावर पी की पावर 1/p प्लस समीशन एन इज इक्वल टू वन से के वाई एन की पावर पी की पावर 1/p। अब ध्यान से देखो तो ये तो हमारा क्या है एक्स एन है और ये है हमारा वाई एन और बीच में भी प्लस है, उसकी पावर जैसे होल की पावर 2 है और उसके बाद होल की पावर 1/2 है, मतलब इसमें पी जो हमारा 2 है समीशन, जैसे इसमें एन इज इक्वल टू वन से के है इसमें एन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन से एन है, वो तो कुछ भी हो सकता है हमारा समीशन। ओके तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो डी एक्स वाई है हमारा ये तो इक्वल टू में चल ही रहा है, वो क्या है लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी इससे, मतलब समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन से एन एक्स आई माइनस जेड आई की वैल्यू का स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस समीशन आई इज इक्वल टू वन से एन वाई एन की वैल्यू है जेड आई माइनस वाई आई, तो क्या आ गया जेड आई माइनस वाई आई की पावर पी मतलब उसका स्क्वायर
की पावर 1/2। तो हमारा ये हो गया। अब क्या है कि ये वैल्यू हमारा, जैसे डी एक्स वाई हमारा क्या है, एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर की पावर 1/2। इस तरीके से एक्स आई माइनस जेड आई का स्क्वायर की पावर 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी जेड वाई। मतलब जो ये वैल्यू है वो हमारी इस तरीके से आ गई। और यही तो क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा ये भी प्रूव हो गया। तो हमें चार चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। अगर हमें क्या प्रूव करना हो कि मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना, तो हमें चार चीज़ें प्रूव करनी होती है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो हमने प्रूव किया। डी एक्स वाई ज़ीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई, वो हमने प्रूव किया। देन थर्ड हमारा है कि अगर डी एक्स वाई है तो उसको डी वाई एक्स प्रूव करो, मतलब उसको उसकी सिमेट्री बता दो, तो वो हमने बता दिया। देन फोर्थ पॉइंट में आपकी बुक में थोड़ा मुश्किल दे रखा है, आई थिंक आप इस तरीके से कर लेना, बिल्कुल सही है ये, ईजी हो जाएगा। क्या है कि डी एक्स वाई आपने जो लिया उसके अंदर सिर्फ जेड आई सब एड और सब्ट्रैक्ट किया, देन अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारी ये वैल्यू आ गई और हमारा प्रूव हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन और है आपका इसी तरीके का। ये आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 3 है। ओके, अभी एक और है जिसके अंदर यही इनइक्वालिटी लगती है, तो वो वाला क्वेश्चन भी अब हम साथ के साथ कर लेंगे। अभी मैं देखती हूँ वो कौन सा क्वेश्चन और लिखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, देखो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है बुक के अंदर। तो मैं आपको ये बताती हूँ पहले क्वेश्चन क्या है। देखो तरीके तो वही हैं, वही इनइक्वालिटी एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी की पावर 1/p टाइप का है, मतलब इनइक्वालिटी तो वही लेंगे। कि इसमें जो स्टार्टिंग है ना वो चेंज है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल डिटो है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ 2 था, इस क्वेश्चन में यहाँ पी है, लेकिन इसमें एक चेंज है। वहाँ पे है ना जो एन की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू थी आई थिंक 1 से n, मतलब फाइनाइट टर्म्स थी और हमें पता था कि एक फाइनाइट वेल डिफाइंड टर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या है, n इज़ इक्वल टू 1 से ∞ टाइप का है, तो यहाँ पे हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड करती हूँ। जो p है वो 1 से ∞ के बीच में है, मतलब उसके अंदर 1 तो है लेकिन इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू है सारी के सारे। इफ़ एल पी इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल सिक्वेंस, क्या डिनोट कर रहा है ये, रियल सिक्वेंस के सेट को। ओके, और जो x है वो एक्स एन, मतलब ये सिक्वेंस बन गई विद समेशन एन इज इक्वल टू 1 से ∞ एक्स एन की पावर p लेस देन इन्फिनिटी। एंड डी एक्स वाई हमें इस तरीके का दे रखा है, जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहे हैं हमारा वही रियल सिक्वेंस के अंदर। तो हमें शो करना है कि जो एल पी डी है वो हमारा एक मैट्रिक स्पेस है। तो सबसे पहले जो मेन बात है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है मैट्रिक्स स्पेस, तो उसी तरीके से हमें प्रूव करना है, ये है कि यहाँ एन की वैल्यू 1 से ∞ दे रखी है। यही नहीं पता कि ये जो वैल्यू है वो वेल डिफाइन है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को वेल डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ फाइनाइट टर्म्स के लिए इस वैल्यू की कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। अगर वो कन्वर्जेंट होती होगी कुछ वैल्यूज़ के लिए तो वो हमारी वेल डिफाइन भी हो जाएगी। तो इसलिए ये एक लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनना। ओके, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर इसके कन्वर्जेंस को चेक कर रहे हैं। जो ये क्वेश्चन है इसी बात की वजह से इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके, पिछला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था लेकिन ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक बात और एक्स्ट्रा ऐड हो गई कि जो एन की वैल्यू है ना 1 से ∞, इन्फिनिटी पे ध्यान दो, इन्फिनिटी तक है, तो इस वजह से ये हमें वेल डिफाइन नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वेल डिफाइन करेंगे, कुछ टर्म्स के लिए हम ये इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्टली हम क्या प्रूव करेंगे, डी एक्स वाई इज फाइनाइट फॉर उसके पेयर्स के लिए एक्स वाई जो बिलोंग कर रहे हैं एल पी के अंदर। तो हमारे पास जैसे ये है, ब्लू पेन ले लेती हूँ, देखो ये है, वी हैव समीशन एन इज इक्वल टू 1 से k एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी की पावर 1/p। अब देखो ये इस तरीके से है, यहाँ पे हमारा क्या है, साथ में मोड भी है। ओके, तो मोड है तो ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोड, जैसे अगर मोड एक्स माइनस वाई है ना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेस देन एक्स प्लस मोड लेस देन वाई। तो यहाँ भी इस तरीके से हम मोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे कि समीशन एन इज इक्वल टू 1 से k एक्स एन प्लस वाई एन की होल पावर पी की पावर 1/p। अब ये हमारा क्या बन गया, वही मिनकोज इनइक्वालिटी। तो हम लिख देंगे यूजिंग इनकोज
इनइक्वालिटी, हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं जो ये एक एक करके उसको इस वैल्यू को से लेस देन लिख सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, समीशन एन इज इक्वल टू वन से कि एक्स एन की पावर पी की पावर वन बाई पी, एक्स एन की पावर पी की पावर वन बाई पी प्लस वही समीशन एन इज इक्वल टू वन से कि वाई एन की पावर पी की पावर वन बाई पी। ये हमारी इस इक्वालिटी का रूल होता है तो वो हमने लगा दिया। ओके, अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज़ वो दे रखी है कि समीशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी एक्स एन की पावर पी जो वो लेस देन है इन्फिनिटी से। ओके, मतलब जो ये वैल्यू है ना हमारी वो लेस देन इन्फिनिटी से है। सिमिलर हमारा ये वाई के लिए भी यही होगा तो वो भी हमारी इन्फिनिटी से लेस होगी। तो ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी हमारी दोनों किस से लेस हैं, इन्फिनिटी से। इक्वल टू नहीं लगाएंगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या वो लेस हैं, लेस देन का सिंबल, तो लेस देन हो गई इन्फिनिटी से। अब देखो ये जो वैल्यू है वो हमारी पर्टिकुलर किसी वैल्यू से क्या हो गई, लेस देन हो गई। मतलब क्या हो गया कि जो हमारी ये वैल्यू है वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस समीशन एन इज इक्वल टू वन से के एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी की पावर वन बाई पी इज कन्वर्जेंट। और अगर वो कन्वर्जेंट हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जो डी एक्स वाई है क्या है, वो वेल डिफाइन हो जाएगा। यही मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें इसको पहले क्या दिखाना था कि ये वेल डिफाइन है क्योंकि यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी था। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब वही हमें चार प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी लगानी है और हमें क्या प्रूव करना है इसको कि ये हमारा एक मैट्रिक्स स्पेस है, शो दैट दिस इज़ अ मैट्रिक्स स्पेस। तो हम वही प्रूव करेंगे अब। ओके, डी एक्स वाई की वैल्यू मैंने ऊपर लिख लिया ताकि बार बार पेज ना पलटना पड़े। ओके, तो ये है हमें चार प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो डी एक्स वाई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमें जीरो प्रूव करनी होती है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, हम लिख देंगे क्लियरली जो डी एक्स वाई है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। क्यों है ऐसा, फिर हम लिखेंगे वही कि जो मोड है एक्स एन माइनस वाई एन वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों जैसे हमने दोनों साइड पावर पी ली और उसकी वन बाई पावर, फिर समीशन ली और उसकी पावर वन बाई पी ली, तो समीशन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी की पावर वन बाई पी, वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई हमारी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आई थिंक ये आपकी बुक में प्रूफ नहीं कर रखा तो आपको इस तरीके से करना है, ये नहीं लिख देना सीधा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई, फोर्थ ये है जैसे बुक में लिख रखा है। ओके, तो फर्स्ट को आपको इस तरीके से करके आना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि हमें जो डी एक्स वाई है वो इक्वल टू जीरो गिवन होता है, एक्स इक्वल टू वाई लेके आना होता है। तो डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है जैसे, तो डी एक्स वाई की वैल्यू हमारी ये है समीशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी उसकी होल पावर वन बाई पी इक्वल टू जीरो। तो इससे हमारा क्या आ जाता है कि एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब एक्स एन इक्वल टू क्या हो गया, वाई एन हो गया। ये जो हमारा n है ना वो हर एक वैल्यू के लिए है, वन टू थ्री हर एक वैल्यू के लिए है। तो हम जनरल लिख सकते हैं कि जो x है वो किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है कि एक्स वन इक्वल टू वाई वन, एक्स टू इक्वल टू वाई टू, एक्स थ्री इक्वल टू वाई थ्री, मतलब जो x है वो किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया। अब होता है हमारा एक थर्ड पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, थर्ड प्रो के अंदर हमें उसकी सिमेट्रिसिटी को दिखाना होता है कि अगर डी एक्स वाई है तो वो डी वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो डी एक्स वाई है हमारा, उसकी वैल्यू हमारी ये लिख रखी है हमने समीशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी और उसकी होल पावर वन बाई पी, ये दे रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वही इसके अंदर से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई एन माइनस एक्स एन की पावर पी, और मोड में से माइनस निकालेंगे तो वो प्लस का ही निकलेगा, मतलब समीशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वाई एन माइनस एक्स एन की पावर वन बाई पी हो गया। तो जैसे एक्स एन माइनस वाई एन डी एक्स वाई था, तो वाई एन माइनस एक्स एन क्या हो जाएगा, डी वाई एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि जो डी एक्स वाई है वो डी वाई एक्स के इक्वल है, तो हमारी सिमेट्रिसिटी भी प्रेजेंट है, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। देन हम हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर चलेंगे, उसमें हमारा क्या होता है फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर, वही देखो जैसे हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो हमारा क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू
हमारी एक्स के बारे में दी, हाँ ये देखो दे रखी कि जो एक्स है वो xn है, वाई हमारा ऐसे yn सीक्वेंस में मिलेगा, तो हम एक थर्ड वैल्यू लेते हैं z, तो वो हमारी क्या हो जाएगी zn, तो जो हमारा xn है वो xn है, वाई है हमारा वो yn है, और z है हमारा वो zn है। ओके इस तरीके से है हमारा, और ये सारे के सारे किसके अंदर बिलोंग करेंगे, LP के अंदर, तो Zn भी हमारे किसके अंदर बिलोंग करेगा, LP के अंदर। तो वही हमें जो DXY है उसको लेस देन इक्वल टू DXZ प्लस DZY प्रूव करना है, ये तो टू प्रूव है, ये लिखना मत क्वेश्चन में, मैं आपको बताया कि ये प्रूव करना है। ओके तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये लिखना नहीं है आपको, तो हम स्टार्टिंग तो कहाँ से करते हैं, DXY इक्वल टू है हमारे, इसकी वैल्यू है हमारी ये थी समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी की पावर होल पावर 1/p। ओके ये वैल्यू थी हमारी, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, सो जेड एन लिया है हमने, वो एड एन से प्रैक्ट करना है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन की पावर पी की पावर 1/p। ओके अब वही हमें इसके अंदर वही इनइक्वालिटी लगानी है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी ये वाली टर्म है ये तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी और ये वाली टर्म सेकंड टर्म बन जाएगी, तो ये हमारा क्या हो गया अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी कि समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एक्स एन माइनस जेड एन की पावर पी की होल पावर 1/p प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जेड एन माइनस वाई एन की पावर पी की पावर होल 1/p। उसके बाद जैसे डी एक्स वाई है तो एक्स एन माइनस वाई एन की पावर 1/p है, तो सिमिलर एक्स एन माइनस जेड एन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स जेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा डी जेड वाई। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि जो डी एक्स वाई है ना ये इक्वल सिर्फ हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए लगाना है, बाकी ये चल तो इससे लेस ही रहा है, तो डी एक्स वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल आ गई डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से, एंड दिस इज़ वट वी हैव टू प्रूव। ओके तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी प्रूव हो गया, तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा LPD था ये हमें प्रूव करना था मैट्रिक्स स्पेस, तो वो मैट्रिक्स स्पेस हो गया। ओके अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है वो अलग ही टाइप का है बिल्कुल, मतलब अलग ही क्वेश्चन है वो, तो उसको भी कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। आज हमारा इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे दो, वो हो जाएंगे, और एक वो जो अलग है सबसे वो वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। ओके तभी वो कराती हूँ मैं आपको। देखो ये है हमारा क्वेश्चन, क्या है ये, सबसे पहले तो ये जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है उसका मतलब ये यही होता है कि या तो इसका आंसर 0 है या 1, तो इस तरीके की जो हमारी वैल्यू दे रखी होती है उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं, मतलब या तो उसका आंसर 0 या 1 आए, तो हमारा वो ये हो गया। ओके तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोलेगा, लेट एक्स बी एन आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो है ही, तो जो डी है एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स वो है आर, बी अ फंक्शन सच दैट, वही हमारा जो डी एक्स वाई है मतलब हमें ये दे रखा है, शो करना है कि जो हमारा एक्स डी है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो सबसे पहले हमारा डी एक्स वाई है ये है, जब एक्स इक्वल टू वाई है तो आंसर हमारा 0 आएगा, और जब एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई है तो हमारा आंसर आएगा 1। प्रूफ तो हमें क्या करना है मैट्रिक्स स्पेस, तो हमें चार प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना होगा कि जो हमारी डी एक्स वाई की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब ध्यान से देखो, या तो हमारी वैल्यू 0 ही हो सकती है या फिर 1 ही हो सकती है ना, दो ही ऑप्शन है, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर 0 हो गई तो भी हमारा वो हमें प्रूव क्या करना है कि जो डी एक्स वाई है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो वो 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो ये तो हमें साफ साफ दिख रखा है, इसका आंसर भी या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा मतलब 1 आएगा, तो साफ साफ हमें पता चल गया फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियरली डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई, जो कि एक्स के अंदर भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमें साफ साफ दिख गया कि या तो इसका आंसर 0 ही आएगा या 1 आएगा। देन सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि या तो हम डी एक्स वाई इक्वल टू 0 लेके चले और एक्स इक्वल टू वाई प्रूव कर दें, या एक्स इक्वल टू वाई लेके चले डी एक्स वाई इक्वल टू 0 प्रूव कर दें। ओके देन अगर हमने एक्स इक्वल टू वाई लिया, अगर हमारा एक्स इक्वल टू वाई है तो ऑलरेडी गिवन है कि एक्स अगर इक्वल टू वाई है तो हमारा जो डी एक्स वाई है वो क्या है 0 है, तो हमारा डी एक्स वाई 0 हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। और अगर हमारा अगर हम इस तरीके से प्रूव करें कि डी एक्स वाई अगर हमारा 0 है तो डी एक्स वाई हमारा 0 है तो मतलब एक्स इक्वल टू वाई है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ओके इन दोनों में से आप एक लाइन भी लिख सकते हो। ओके और अगर
फिर ये तो हमारी बात हो गई, जब डी एक्स वाई हमारा जीरो होता है एक्स इक्वल टू वाई होगा, और एक्स इक्वल टू वाई हो तो डी एक्स वाई जीरो होगा। लेकिन अगर डी एक्स वाई हमारा वन हो गया तो जो हमारा एक्स है वो नॉट इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो ये वो वाली कंडीशन है इन्होंने लिख दी। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है कि हमें जो डी एक्स वाई है उसको डी वाई एक्स के इक्वल प्रूव करना होता है, सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट दिखानी होती है। ओके, तो वही हम इसके अंदर दिखाएंगे कि जो डी एक्स वाई है वो हम लेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये लिखेंगे डी एक्स वाई के अंदर कि एक्स इक्वल टू वाई है। अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो हमारा डी एक्स वाई भी क्या होगा, अगर हमारा x इक्वल टू वाई है तो हमारा डी एक्स वाई भी ज़ीरो होगा, और मान लो हमारा y इक्वल टू x है तो भी ज़ीरो होगा, तो डी वाई एक्स भी ज़ीरो होगा। और अगर x नॉट इक्वल टू y है तो भी हमारा डी एक्स वाई वन होगा, और y नॉट इक्वल टू x है तो भी हमारा डी जो y x है वो वन होगा। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, देन तो हमारा जो डी एक्स वाई है वो डी वाई एक्स के इक्वल आ गया, क्योंकि इन दोनों वैल्यू के लिए इसका आंसर जीरो है, इन दोनों वैल्यू के लिए अगर ये अगर इक्वल है तो जीरो है, अगर नॉट इक्वल है तो वन है, तो सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट है। देन है हमारा फोर्थ पॉइंट कि वही हम क्या लेते हैं, एक थर्ड पॉइंट ले लेते हैं कोई जेड, वो भी एक्स के अंदर ही बिलोंग करेगा। द फॉलोइंग केसेस अराइजेस, तो हमारे चार के चौथे पॉइंट के अंदर हमारे कुछ केसेस अराइज होंगे। देखो ये किस तरीके से ये लिख रहे हैं कि अब देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, या तो x इक्वल टू वाई है या फिर x नॉट इक्वल टू वाई है। अब हमें फोर्थ पॉइंट के अंदर हम क्या लेते हैं, एक एक्स्ट्रा z लेते हैं, तो क्या है, या तो वो एक्स वाई जेड इक्वल होगा, या फिर y z के इक्वल नहीं होगा x के इक्वल होगा, या फिर x y के इक्वल नहीं होगा, या फिर y z के इक्वल नहीं होगा। मतलब इस तरीके से हमारे कुछ केस आ गए। ओके, तो हम ये केस लिख लेंगे। तो अब देखो अगर x इक्वल टू y है, तो अगर हमारा x इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई हमारा क्या है, ज़ीरो। अगर हमारा y इक्वल टू जेड है तो हमारा डी वाई जेड क्या हो जाएगा, एक मिनट, डी एक्स वाई ज़ीरो है, डी एक्स वाई ज़ीरो है तो हमें क्या प्रूव करना है, लेस देन होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो हम ये वाली वैल्यू देखेंगे डी एक्स जेड की। ओके, डी एक्स वाई की वैल्यू हमने देखी कि एक्स और वाई इक्वल हैं तो वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगे। देखो ध्यान से यहाँ देख लो, अगर वैल्यू इक्वल है तो ज़ीरो और नॉट इक्वल है तो वन। अब मैं ये दोबारा दोबारा नहीं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से डायरेक्ट करा रही हूँ। ओके, देखो डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स, ये हमें प्रूव करना है तो हम इन इन की वैल्यू ही लेंगे यहाँ पे। तो डी एक्स वाई अगर दोनों इक्वल हैं तो ज़ीरो, देन हम लेंगे डी एक्स जेड की वैल्यू, डी एक्स जेड आपस में इक्वल हैं तो उसका आंसर भी ज़ीरो, डी जेड वाई, जेड वाई आपस में इक्वल है, हाँ है, तो उसका आंसर भी ज़ीरो। तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी जेड वाई प्लस डी जेड वाई, तो क्योंकि ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ गया, मतलब या तो हम लेस देन दिखाना होता है हमें या फिर इक्वल, तो ये इक्वल आ गया मतलब ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया ट्रू। देन हमने सेकेंड केस लिया कि एक्स इक्वल टू वाई और नॉट इक्वल टू जेड है, तो हम क्या लेंगे, वही इसकी वैल्यू निकालेंगे डी एक्स वाई की, एक्स और वाई इक्वल हैं तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा, डी एक्स जेड की, एक्स और जेड हमारे नॉट इक्वल हैं क्योंकि इसका मतलब है कि ना तो इससे इक्वल ना इससे इक्वल, तो उसका आंसर वन आ गया। तो वाई जेड सिमिलर हमारा जेड और वाई क्या इक्वल है, नहीं, तो इसका आंसर भी वन आ गया। तो देखो ज़ीरो लेस देन हो गया वन प्लस वन से, तो ये हमारे ये रिजल्ट भी ट्रू हो गया। सिमिलर हम ये सारे रिजल्ट्स के लिए इसको ट्रू दिखा देंगे, देन हमारा क्या हो जाएगा कि दस ऑल द फाइव्स वी हैव डी एक्स वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के, तो हमारा जो ये है ना वो मैट्रिक्स स्पेस हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप है ना कमेंट्स में बता देना, कोई भी अक्षर में डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा भी रिपीट कर दूंगी अगर आपको डाउट होगा तो। ओके ओके, वैसे डाउट आना नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और पेपर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमा आता है, उसका जो फोर्थ पॉइंट है वो थोड़ा अलग टाइप का, तो वो वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।